आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सुधा फाइंड्स आउट दैट शार्प इमेज ऑफ द विंडो पेन ऑफ हर साइंस लेबोरेटरी इज फॉर्मड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, शी नाउ ट्राइज टू फोकस द बिल्डिंग विजिबल टू हर आउटसाइड द विंडो इंस्टेड ऑफ द विंडो पेन, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस। इन विच डायरेक्शन विल शी मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन शार्प इमेज ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट में पूछ रखा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, तो लेट्स से मेरी लेंस की एक्सिस थी, ठीक है, और ये मेरा लेंस है। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या बोला है कि जो इमेज बन रहा था विंडो पेन का, ठीक है, साइंस लेबोरेटरी में, उसका बन रहा था डिस्टेंस, इमेज बन रहा था एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस। ठीक है, तो मानते हैं जो पैरेलल रेज आ रही थी विंडो पेन से, ठीक है, वो फोकस हो रही थी एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन ने पूछा कि अब हमको जो है इमेज बनाना है ऑफ अ बिल्डिंग आउटसाइड द विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस लेंस के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखे, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, तो जो f है इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो होगी 1/v = 1/u + 1/f। ठीक है, लेट से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, कोई जनरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस जो होगी लेट से d डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस लेंस। ठीक है, तो जो u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा माइनस d। ठीक है, यहाँ पे 1/v = 1/f - 1/d। ठीक है, तो बेसिकली जो विंडो पेन थी कुछ यहाँ थी, ठीक है, और जो बिल्डिंग है वो कुछ और दूरी पे होगी, ठीक है, लेंस से। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो d डिस्टेंस है वो हमको बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है d डिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ये जो वैल्यू छोटी हो रही है, ठीक है, तो ये छोटी वैल्यू को अगर माइनस कर रहे हो तो जो 1/v की जो नेट वैल्यू है बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि जो v की वैल्यू है वो घट रही है। ठीक है, तो हमको जो स्क्रीन है, ठीक है, इनिशियली जो हमने रखा था स्क्रीन यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस, जो कि इमेज फॉर्म कर रहा था ऑफ दिस विंडो पेन। ठीक है, तो अब अगर हमें इस बिल्डिंग की इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है, जो कि इस लेंस से थोड़ा और दूर पर है, ठीक है, तो हमने देखा कि जिसका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, यानी कि जो स्क्रीन को हमको इस पॉइंट से थोड़ा आगे मूव करना पड़ेगा इस तरफ, यानी कि टुवर्ड्स द लेंस मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्ट ए का आंसर क्या हो गया, शी नीड्स टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स द लेंस। ठीक है, और पार्ट टू में पूछा है कि इसका अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो इनिशियली हमको दे रखा था कि जो इमेज बन रहा है इस विंडो पेन का दैट इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मान लें कि जो रेज है वो पैरेलल है, ठीक है, तो ये फोकस हो रही होंगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे फोकस हो रही होंगी, ये डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू फोकल डिस्टेंस। ठीक है, और हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो फोकल लेंथ आ गया इस लेंस का दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो ये होगी आंसर। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।